हेलो स्टूडेंट्स, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड अ ड्रॉप ऑफ रेन विच रिप्लाइज टू द पोएट्स क्वेरी। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द ड्रॉप ऑफ रेन। जैसा कि इसका नाम ही है द वॉइस ऑफ द रेन, तो इस कविता में जो वॉल्ट विटमैन है वो एक ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की जो बूंद है, उससे बात करता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेंज भी है कि वो बारिश की बूंद जो है वॉल्ट विटमैन को आंसर भी देती है। इसीलिए इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। तो हम शुरू करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, दाउ मतलब यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आई यहाँ पे आया है पोइट के लिए। पोइट हल्की गिरती हुई शावर, बोछार, बूंदाबांदी से पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन सी कला हो। विथ स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज ए ट्रांसलेटेड। कवि कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेंज है, आपको बताते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उसने मुझे आंसर दिया एज ए ट्रांसलेटेड। और जो उसने आंसर दिया उसका अनुवाद यहाँ पर किया गया है। क्या आंसर दिया उसने? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। बारिश ने कहा, आई आया है रेन के लिए, कि बारिश ने कहा मैं पृथ्वी की पोएम, कविता हूँ। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ कहती है। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पेलेबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसे आप छू नहीं सकते। एटर्नल होता है अनंत। तो यहाँ पे बारिश कहती है कि मैं अनंत पृथ्वी से और अतः समुद्र से राइज होती हूँ, उठती हूँ, निकलती हूँ। मतलब बारिश कहती है मेरा जो जन्म है वो पृथ्वी से और अतः समुद्र से होता है, मुझे कोई छू नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जो बारिश है वो क्या बनती है? भाप बनती है समुद्र से और ज़मीन से, फिर ऊपर की ओर जाती है। अपवार्ड टू हेवन वेंस वैग्युली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब यहाँ पे वो क्या कहती है? अपवार्ड टू हेवन, मैं ऊपर हेवन स्वर्ग की ओर जाती हूँ, आसमान की तरफ जाती हूँ। वेंस जहाँ पर, वैग्युली फॉर्म अस्पष्ट रूप से मेरा निर्माण होता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ। मतलब क्या? समुद्र से जो पानी है वो भाप बनकर आसमान में जाता है, बादल का रूप लेता है, और फिर वो बूंद बन के जमीन पर गिरता है। लेकिन मतलब वो कहती है कि मेरा जो रूप है वो बदल तो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ। सेम मतलब पानी ही वो रहती है। आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड होता है नीचे उतरना, लेव होता है बाथ, वॉश, धो देना, नहलाना। ड्रॉट्स जो बाढ़ है, एटमिस जो छोटे छोटे कण होते हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी के जो धूल भरी जो परतें होती हैं। ड्रॉट्स मतलब अकाल। आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और फिर मैं पृथ्वी पर नीचे उतरती हूँ, जो अकाल है, जो एटमिस टीनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, या पृथ्वी पर जो धूल की परतें हैं, उन सबको मैं धो देती हूँ। मतलब वो पूरी पृथ्वी को नहला देती है। कौन? जो हमारी बारिश है। And all that in them without me were seeds only latent unborn. And all that to in them, और वो सभी बीज जो latent है, hidden, जो छिपे हुए हैं, unborn, जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, मेरे बिना वो बीज ही रहते हैं। मतलब कि जब तक जो नीचे ज़मीन में जो बीज है, जो छिपे हुए हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, मेरे बिना जब तक मैं उन्हें नहीं मिलती, मैं कौन? बारिश। बारिश कौन? पानी। जब तक उन सीड्स को, बीज को पानी नहीं मिलता, वो सीड्स ही रहते हैं, वो पौधा नहीं बनते, वो पेड़ नहीं बनते। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और मैं हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं मेरे ओरिजिन को, मेरे जन्म स्थान को वापस क्या देती हूँ? जीवन देती हूँ। यहाँ पे माई ओन ओरिजिन मतलब जो रेन है वो कहती है जो मेरा ओरिजिन है, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, कहाँ से? पृथ्वी को, मैं मेरी पृथ्वी को जीवन देती हूँ।
एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं पृथ्वी को क्या बनाती हूँ, प्योर करती हूँ, शुद्ध करती हूँ और इसे सुंदर बना देती हूँ। मतलब पृथ्वी पर जितनी धूल मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, सबको जीवन मिलता है बारिश से। तो बारिश यहाँ पे यही कहती है कि मैं मेरे अपने ओन ओरिजन जन्म स्थल को जीवन प्रदान करती हूँ, उसे सुंदर बनाती हूँ, उसे शुद्ध करती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब वो यहाँ पे कंपेयर करता है बारिश को किसके साथ, सॉन्ग के साथ। ठीक वैसे ही जैसे एक गीत होता है, वो अपने जन्म स्थान से निकलता है। जन्म स्थान क्या, जब कोई गीतकार कोई गीत लिखता है तो वो अपने हृदय से, अपने हर्ट से, अपनी फीलिंग से जो है वो गीत लिखता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और वो सुनने वाले को, गीत जो सुनता है उसको फुलफिलमेंट, उसको पूरी संतुष्टि देने के बाद, रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, चाहे वो किसी ने सुना हो या ना सुना हो, वो वापिस अपने जो गीतकार है उसको लव रिटर्न करता है, उसे प्यार रिटर्न करता है। जिस फील से उसने वो गीत लिखा था वो फील ही उसे वापस मिलती है, चाहे कोई उसे प्रेस करे या ना करे, लेकिन जो गीतकार है उसे वो गीत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार जो बारिश है, बारिश अपना काम पूरा करती है, अपने जो ओन ओरिजिन है, जो अपना जन्म स्थल है, जो पृथ्वी है, धरती है, भूमि है, उसको प्योर बनाती है, उसे ब्यूटीफाई बनाती है, चाहे उस बारिश का कोई आनंद ले या ना ले, लेकिन जो उस बारिश का काम है वो अपना वो पूरा करती है। आई होप आप सबको ये जो पोएम है क्लियर हो गई होगी। इसमें, इस कविता में क्या है, अबाउट जो पोइट है वो टॉक्स अबाउट इट्स लाइफ साइकिल एज टू हाउ इट राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज इन द वेपर फॉर्म एंड मूव्स अप कंडेंस इनटू क्लाउड्स एंड रिटर्न्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स टू क्वेंच द थ्रस्ट ऑफ द अर्थ। इसका लाइफ साइकिल जो है बारिश का वो इसमें बताया गया है। तो आपको ये पोएम जो है वो क्लियर हो गई होगी। ओके बेटा, बाय।